भरी हुई इस कायनात में, अनगिनत इंसानों के मैशर में सिर्फ एक अकलौते इंसान का चेहरा देखकर। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुश आमदीद, जहां हम मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात की जिंदगियों का जायजा लेते हैं। आज हमारी तवज्जो एक ऐसी शख्सियत पर है जिसे शायर अहले बैत के तौर पर जाना जाता है। उनकी दिलकश आयात, ख़ास तौर पर वो जो करबला की जंग की याद में हैं, पूरे पाकिस्तान और इससे बाहर गूंजती हैं। मोहसिन नकवी के अलावा ये कोई और नहीं हो सकता। जी हाँ, आज की वीडियो में हम मोहसिन नकवी की ज़िंदगी पर बात करेंगे। उनका नाम बहुत से लोगों के दिलों में गहरी अकीदत और तारीफ पैदा करता है। मोहसिन नकवी की इब्तदाई ज़िंदगी पर बात करें तो गज़ल के शायर के तौर पर मशहूर सैयद ग़ुलाम अब्बास नकवी 10 मई 1947 को डेरा गाजी खान, पंजाब बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका पैदाइशी नाम ग़ुलाम अब्बास था, लेकिन बाद में उन्होंने ग़ुलाम अब्बास मोहसिन नकवी का नाम इख्तियार किया। उनका ताल्लुक़ एक आजिज़ पस मंज़र से था। अपने वालिद सैयद चिराग हुसैन शाह के साथ एक काठी बनाने वाले के तौर पर रोज़ी रोटी कमाते थे और बाद में खाना फरोश बन गए थे। नकवी की परवरिश डेरा गाजी खान के करीब सादात के गांव में हुई थी, जो दही जिंदगी की देहाती दिलकशी से घिरा हुआ था। अपने ख़ानदान के मामूली वसाइल के बावजूद नकवी की परवरिश ख़ानदानी बंधनों और सादगी से भरपूर थी। वो 7 बहन भाइयों में से एक थे, जो फजल और लचक के साथ एक बड़े घराने की हरकियात को नेविगेट करते थे। पंजाब के पुरसकून मनाजिर में परवरिश पाने वाले नकवी की इब्तदाई साल उनके गिर्दोनवा की देहाती खूबसूरती और उनके ख़ानदानी रिश्तों की गर्मजोशी से बने। एक आम कम आमदनी वाले ख़ानदान में पैदा हुए, नकवी का बचपन उनकी बरादरी के बहुत से लोगों की जदोजहद और लचक की खसूसियात से गुजरा। उनके वालिद का एक काठी बनाने वाला पेशा शुरू में ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करता था, लेकिन मुआशी चैलेंजों ने उन्हें खुराक फरोश बनकर अपनी रोज़ी रोटी कमाने का रास्ता दिखाया। माली मजबूरियों के बावजूद नकवी घराना इस्तकामत और अज़्म के जज्बे से सरशार था। शेर व अदब की दुनिया में नकवी का सफ़र उनके ख़ानदान के आम सफ़र से हटकर था। जब उनके वालिद रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अमली कामों में मेहनत करते थे, नकवी को अल्फाज की दुनिया में सुकून और हौसला मिला। शायरी के लिए उनका जुनून पंजाब के देहाती मनाजिर के दरमियान खुला, जिसकी परवरिश अपने इर्द गिर्द के अमीर सकाफती विरसे से हुई। जैसे ही उन्होंने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया, नकवी के ख़ानदानी ताल्लुकात मुस्तहकम रहे, जिसने उन्हें अपने फ़नी ख्वाबों की ताकुब के चैलेंजों के दरमियान हमायत और हौसला अफजाई की बुनियाद फराहम की। मोहसिन नकवी की तालीम पर बात करें तो सैयद मोहसिन नकवी ने एक मुमताज़ इल्मी सफ़र तय किया, जिसने बतौर शायर उनके शानदार कैरियर की बुनियाद रखी। नकवी ने अपनी आला तालीम का आगाज़ मुल्तान के गवर्नमेंट कॉलेज से किया। ये एक इदारा है जो पाकिस्तानी अदब के कई काबिले ज़िक्र शख्सियात की परवरिश के लिए जाना जाता है। यहीं पर नकवी, जो पहले ही अपने कलमी नाम मोहसिन नकवी से पहचाने जाते थे, अपने मुताले में गर्क हो गए और अपनी अदबी सलाहियतों को मज़ीद निखारा। गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान के मुतहर्रिक इल्मी माहौल ने उन्हें एक बढ़ते हुए शायर के लिए ज़रूरी फ़िक्री मुहर्रक और नुमाइश फराहम की। अपनी अंडर ग्रेजुएट तालीम मुकम्मल करने के बाद नकवी की इल्म की जस्तजू ने उन्हें लाहौर में पंजाब की मुमताज़ यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। इस यूनिवर्सिटी ने, जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटियों में से एक है, ने उन्हें अपनी अदबी सलाहियतों को निखारने और दुनिया के बारे में उनकी समझ को गहरा करने के लिए एक वसी प्लेटफॉर्म पेश किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में नकवी ने मास्टर्स की डिग्री हासिल की, अपनी इल्मी असनाद को मज़ीद मुस्तहकम किया और एक आलिम और शायर के तौर पर अपनी साख को बढ़ाया। लाहौर में उनके वक्त ने एक भरपूर सकाफती और अदबी विरसे के साथ उनकी शायराना आवाज़ और मौजूआती फ़िक्र की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया। अपने पूरे तालीमी कैरियर के दौरान नकवी की अपनी पढ़ाई के लिए लगन वाजिया थी। उन्होंने अपने कोर्स वर्क में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उनकी तालीमी कामयाबियाँ उनकी फ़िक्री सलाहियतों और उनके हुनर से वाबस्तगी का सबूत थी।
गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों में उन्होंने जो सख्त इल्मी तरबियत हासिल की, उसने उन्हें अदब और ह्यूमैनिटीज़ में एक मजबूत बुनियाद फ्राहम की, जिसे बाद में उन्होंने अपनी शायराना तख्लीकात में इस्तेमाल किया। इन इल्मी तजर्बात ने उन्हें ना सिर्फ ज़रूरी इल्मी ढांचा फ्राहम किया बल्कि एक शायर के तौर पर उनकी नशोनुमा भी की थी, जिससे वो पाकिस्तानी अदब में नुमाया किरदार अदा कर सके। नकवी की इल्मी पस मंज़र ने उनकी मौरूसी सलाहियतों के साथ मिलकर उन्हें एक मुमताज़ अदबी शख्सियत के तौर पर उभरने में मदद की थी। अगर उनके कैरियर पर तफसीलन बात करें तो एक शायर के तौर पर मोहसिन नकवी का सफ़र शिया मुस्लिम कम्युनिटी के एक फाल रुकन के तौर पर उनकी शनाख्त के साथ गहरा जुड़ा हुआ था, एक ऐसा अंसर जिसने उनके काम को नुमाया तौर पर मुतासिर किया और बिलाखर उनके अलमनाक कत्ल में एक किरदार अदा किया। उनका शायराना सफ़र डेरा गाजी खान से शुरू हुआ, जहां उन्होंने रफ़ीक खावर जिस्कानी की रहनुमाई में तालीम हासिल की। इस इब्तदाई रहनुमाई ने उन्हें शायरी के फ़न में एक मजबूत बुनियाद बनाने में मदद की, जिसके नतीजे में एक शानदार और असर अंगेज़ कैरियर तख्लीक हुआ। नकवी की शायरी में जज्बाती गहराई देखने को मिलती है। मोहब्बत और चाहत से लेकर सियासी और समाजी तबसरों तक के मुख्तलिफ मौजूआत भी मिलते हैं। इंसानी तजर्बे के निचोड़ को हासिल करने की उनकी सलाहियत ने उन्हें इकबाल थानी का खिताब दिया, जो अजीम शायर अलामा इकबाल की तरफ इशारा है। उन्होंने शायरी की मोतदद किताबें शाया की, हर एक उनके गैरमामूली सलाहियतों और गहरी ज़ाती सतह पर कारीन के साथ गूंजने की उनकी सलाहियत का सबूत है। उनके कुछ काबिले ज़िक्र तसानीफ में शामिल हैं अज़ाब-ए-दीद, खैमा-ए-जान, बर्ग-ए-सहरा, बंद-ए-कबा, मौज-ए-इदराक, तुलू-ए-अश्क, फुरात-ए-फिक्र, रेज़ा-ए-हर्फ, रख्त-ए-शब, रिदा-ए-ख्वाब और हक्के-ए-एलिया। इसके अलावा मताए दर्द भी शामिल है। ये मजमूए उनके शायराना मौजूआत के तनु और उर्दू ज़ुबान पर उनकी महारत को ज़ाहिर करते हैं। नकवी की शायरी अक्सर करबला के वाक़ियात के गिर्द घूमती है। ये एक ऐसा मौजू है जो शिया बरादरी के अंदर गहराई से गूंजता है और उन्हें वसी पैमाने पर पहचाना जाता है। अपने मजहबी और जज्बाती मौजूआत के अलावा नकवी सियासी मसाइल को हल करने से नहीं कतराते थे। वो अपने लोगों को नज़रअंदाज करने वाले हुक्मरानों के सख्त नाकिद थे। अपनी शायरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और इंसाफ की वकालत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उनके काबिले ज़िक्र सियासी टुकड़ों में से एक गीत है, लहरों की तरह तुझे बिखरने नहीं देंगे, जो उनके फ़न के ज़रिए समाजी और सियासी सरगर्मी से वाबस्तगी की अक्कासी करता है। नकवी के कैरियर में शोहरत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, क्योंकि उनके अल्फाज सकाफती और लसानी रुकावटों को अबूर करते हुए दुनिया भर के कारीन के दिलों को छूते हैं। अहम चैलेंजों का सामना करने के बावजूद, जिनमें इल्ज़ामात और आखिर में कत्ल उनके शिया शनाख्त और साफ गोई की वजह से समझा जाता है, नकवी की मिरास सामेईन को मुतासिर करती है और गूंजती रहेगी। सिर्फ यही नहीं, उनके काबिले ज़िक्र कारनामों में से एक फिल्म बाजार हुसन के लिए उनके गीत के उन्मान से उन्होंने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड भी जीता था। इस पहचान ने शायरी लिखने में उनकी इस्तेदाद और काबिलियत को उजागर किया, जो अदबी हलकों और आम लोगों दोनों में गूंजता रहा। मोहसिन नकवी के आखिरी सफ़र पर बात करें तो 15 जनवरी 1996 को उर्दू शायरी की दुनिया को एक गहरा सदमा पहुंचा। इस गमनाक दिन मोहसिन नकवी की ज़िंदगी एक पुरतशद्दुद कार्रवाई से अलमनाक तौर पर ख़त्म हो गई। जब वो लाहौर में एक महफिल से निकल रहे थे तो उन पर कातिलाना हमला किया गया। अल्फाज की खूबसूरती और ताकत से सरशार ज़िंदगी का अचानक और सफाकाना खात्मा हो गया। उनकी मौत ने अदबी बरादरी में सदमे की लहर दौड़ा दी, शायरों और मद्दाहों को सोगवार छोड़। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जनवरी 1996 को लाहौर में मोहसिन नकवी को कत्ल कर दिया गया था। मुजरम के खिलाफ FIR जारी की गई,
लेकिन नुकसान नाकाबिले तलाफी था। नकवी को उनके आबाई शहर डेरा गाजी खान में सपुर्दिखा किया गया। 1996 में उनके अलमनाक कत्ल ने अदबी दुनिया में एक खला छोड़ दिया, लेकिन उनकी विरासत उनकी शायरी के जरिए जिंदा रहेगी। और उर्दू अदब के सबसे ज़्यादा बाअसर शायरों में से एक के तौर पर उनका मुकाम हमेशा मुस्तहकम रहेगा। तो नाज़रीन, ये थी शायर मोहसिन नकवी की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।